आज मैं बनाऊंगी चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी फारा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो हमने यहाँ पे मटर की दाल को 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख लिया था, और ये है उड़द की दाल। तो इन दोनों चीज़ों को हमने भिगो के और इसको हमने अच्छे से 2 पानी साफ़ कर लिया है। तो अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है 2 चम्मच साबुत जीरा, और ये है थोड़ी सी हींग, और ये हो गई लाल सूखी मिर्च, और ये है 25 से 30 कली लहसुन। तो इन सभी चीज़ों को हम सिलवट पे पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम मसाला पीसेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसना है। तो लीजिए हमने मसाला पीस के तैयार कर लिया, और इसको हमने निकाल लिया है कटोरी में, और अब हम पीसेंगे उड़द की दाल को। तो उड़द की दाल को भी हमने पीस के तैयार कर लिया है, और अब बारी आती है मटर की दाल। तो इसको भी हम उसी प्रोसेस से पीस लेंगे। तो एक ही प्रोसेस से जितना भी दाल है सबको हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी दाल को पीस के तैयार कर लिया, और ये पिसा हुआ मसाला इसी में हम मिला लेंगे। और यहाँ पे हमने ले लिया है ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और ये है स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही में जाएगा अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो बस अब मसाला हम और नहीं डालेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी को मिक्स कर लिया है, और इसको हम रखते हैं साइड में। फिर आटा हम तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1.5 kg आटा ले लिया है बड़े से परात में, और इसमें अब हम पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। और डो को हम ठंडे पानी से गूद के तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसमें हल्का गुनगुना पानी से भी इसको गूद सकते हैं। तो लीजिए हमने आटे को तैयार कर लिया है, और इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा चावल के आटे का परथन। तो अब हम थोड़ा थोड़ा लेके बिल्कुल नींबू इतना आकार का लेके इसको हम गोल रोल बनाएंगे, और फिर इसको चपटा कर लेंगे। तो हथेली से इस तरीके से कर लेना है। तो हमने एक को इस तरीके से बना लिया है, और इसी में हम मटर दाल और उड़द दाल की स्टफिंग को इस तरीके से भर देंगे, और इसी प्रोसेस से जितना भी है सबको हम बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने तैयार कर लिया है, बाकी का भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे पानी हमने पहले से ही गर्म कर लिया है, और ये 2 लीटर पानी है, और इसी पे हमने रख दिया है जालीदार थाली बड़ा सा। तो अब हम जितने भी फरे बनाए हैं सभी फरे को हम इसी थाली में रख देंगे, और रख के हम 15 से 20 मिनट तक इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो हमने इसे ढक दिया है। तो लीजिए फरा हमारा बनके तैयार है, और इसको हमने निकाल लिया थाली में। तो अब इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसको हमने ठंडा कर लिया था। तो लीजिए हमने फरे को कट कर लिया है, और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म है, और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च और 5-6 कली लहसुन, और ये हो गई स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही में हम डालेंगे मिर्च का अचार। तो इन सभी चीज़ों को सिलवट पे पीस लेंगे। और यहाँ पे हमारा फरा भी फ्राई हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं थाली में। तो हमने इसे थाली में निकाल लिया है, और कुछ फरे को हम खड़ा ही फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमने इसको भी कढ़ाई में डाल लिया है, और ये भी फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हमने थाली में निकाल लिया है। और अब इसको हम लगा लेते हैं प्लेट में चटनी के साथ। तो हमने प्लेट में लगा लिया है, और अब इसको हम सर्व करेंगे।
तो हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।